भारत के स्वस्थ रहे घर आंगन, सभी स्वस्थ हो मिट जाए चिंता हर काम की, यही कामना लेकर आता है सेहत आपकी। गुड मॉर्निंग, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थायी निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मुख्यमंत्री ने फैसले का किया स्वागत। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट साल 2023 के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मुंबई, कहा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, मंत्रिमंडल ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए भी 2500 करोड़ रुपए की योजना को किया स्वीकृत। पहाड़ों की बर्फीली हवा से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में भीषण सर्दी के साथ अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर का जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निकाय चुनाव जनवरी में कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा है कि ओबीसी कमीशन 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंप दे, तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों में जवाब देने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय निकाय चुनाव मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का स्वागत करते हुए ट्वीट कर कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट साल 2023 के आयोजन को लेकर 16 देशों में हुए रोड शो की सफलता के बाद अब इस दिशा में घरेलू रोड शो की कमान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रहे हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में निवेश को न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री कल 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मुंबई पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आदित्यनाथ ने दरअसल प्रवासी प्रदेशवासियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि हम संकट के साथी हैं, चुनौतियां आने पर हम पलायन नहीं करते बल्कि उसका मुकाबला करते हैं। सदी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था जिसने अपने यहां से पलायन नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश ने हर एक प्रवासी के लिए अपने द्वारा खोले और उन्हें गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के साथ साथ हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश आए थे, जहां सीएम ने डायस्पोरा के सदस्यों से प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। जहां मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि साल 2017 के पहले प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, गरीब और व्यापारी असुरक्षा के संकट से घिरे थे। सरकार गठन के साथ हमने सबसे पहले बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और फिर अवैध स्लॉटर हाउस हो या गरीबों के जमीन पर अवैध कब्जे सब बंद कराए गए। हमने एंटी माफिया टास्क फोर्स बनाया, अवैध रूप से कब्जा हुई भूमि छुड़ाई गई, मुक्त कराई गई भूमि पर आज वहां विकास की अनेक परियोजनाएं चल रही हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अधिकतर भूमि इसी का हिस्सा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना और इस कार्य को हम लोगों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का कार्य किया। आज परिणाम है इस रूप में। याद करिए जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले दिन मैं आया था तो मैंने 2 काम किए थे। एक, आप लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत संकट नहीं होगा,
लोगों के कल्चर भी है। लोगों ने पहले दिन से ही अपने व्यस्त दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल नहीं जा पाते थे, जबरदस्ती उठाने की शिकायतें मिलती थी, बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को दूर हॉस्टल में भेजते थे, जिनके पास कैपेसिटी नहीं वो क्या करते रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था, बहनें बाजार नहीं जा पाती थी, हर जगह सुरक्षा का वातावरण था। तो मैंने आने पर 2 काम किए थे, एक कि बहन और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, और दूसरा कि इल्लीगल कोई भी कार्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई, जहां हिमाचल प्रदेश में सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई। और वहीं दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए 2500 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देश तैयार करेगा। मिशन से 2030 तक संभावित परिणाम प्राप्त होंगे। देश में लगभग 125 GW की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी आएगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में 2615 करोड़ रुपए की लागत से सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की है। 382 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट को सतलज नदी पर बनाया जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपए के निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान लगभग 4000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। ये सतलुज नदी पर बनेगा, जिला शिमला और मंडी ये 2 जिलों में स्थापित होगा। इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है, और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा, और इसको 5 वर्ष 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए 2500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। देश की 80% से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा। दूरस्थ जनजातियां, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को 8 लाख DD फ्री डिश DTH सेट टॉप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को बताया, आने वाले 20 वर्षों में दूरदर्शन कैसा दिखेगा, इसकी रूपरेखा हम अभी से बना रहे हैं। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे, उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है, उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। भारत सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास, आधुनिकीकरण और मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ढोल वाला, किटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ का वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान इन दिनों आम लोगों के साथ साथ दिव्यांग और शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे दृष्टिहीनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लखनऊ का चिड़ियाघर भारत का पहला ब्लाइंड फ्रेंडली जू बनकर उभरा है। चिड़ियाघर में दृष्टि बाधितों के लिए विशेष व्यवस्था है और वह चिड़ियाघर के प्रकृति शिक्षण केंद्र में ब्रेल बोर्ड के जरिए वन्य जीवों की जानकारी स्वयं पढ़ सकते हैं। चिड़ियाघर प्रशासन और एक निजी संस्था के संयुक्त प्रयास से चिड़ियाघर में मौजूद पशु पक्षियों के विषय में ब्रेल लिपि में बोर्ड लगवाने का काम शुरू किया गया था, ताकि दृष्टिहीन भी जान सके कि कैसे कैसे जानवर वहां रहते हैं। ये कदम इतना लोकप्रिय साबित हुआ कि बाद में चिड़ियाघर में इसी की तर्ज पर दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल कॉरिडोर भी स्थापित किया गया। यहां वन्य जीवों की जानकारी के साथ ही ब्रेल साहित्य भी उपलब्ध है। दृष्टि बाधित लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए ये अपने ही तरह का अनूठा प्रयास है। किसी भी एनिमल की जानकारी चाहिए हो तो यहां पे वो डॉट्स पे हाथ रखेगा और वो पढ़ता चला जाएगा कि चीन द्वारा विकसित की गई ये मछली इस तरह से, वो जैसे हम आप हिंदी इंग्लिश बोलते हैं वैसे स्पेशल बच्चे जो है इसको टच करके ब्रेल लिपि जो कि 6 डॉट पे डिपेंड होती है उसके जरिए ये बहुत आसानी से पढ़ते हैं। इसके साथ साथ खास बात यहाँ है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल की लाइब्रेरी है मीत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, कि वो बच्चे यहाँ आते हैं और अपने मनपसंद पोएट को अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको हम लोग ये किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस पर चित्रकूट में दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए कार्य कर रही सामाजिक संस्था दृष्टि द्वारा लुई ब्रेल जयंती का समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी, कानपुर, ग्वालियर, जबलपुर, बांदा तथा चित्रकूट के दृष्टिहीन छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस अवसर पर दृष्टिहीन छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने लुई ब्रेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सोनू गोलकर, मिमिक्री कलाकार अभय कुमार शर्मा, साहित्यकार सुशीला नागपाल और समाजसेवी प्रीत मोगा को हुई लुई ब्रेल सम्मान साल 2023 से सम्मानित किया गया। उनके साथ ही जालौन के बाबा बालक धाम को लुई ब्रेल कर्मयोगी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान दृष्टिहीन बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। ब्रेल वो महान व्यक्ति हैं जिनको हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी 6 बिंदुओं वाली लिपि का आविष्कार किया है जो आज पूरे दुनिया के नेत्रहीन पढ़ लिख सकते हैं, और उन्हीं का विगत 16 वर्षों से हम उनका लुई ब्रेल महोत्सव मना रहे हैं। लुई ब्रेल ने सभी दृष्टिबाधितों के जीवन में नई ज्योति जगाई। आज हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, उनका एक योगदान है जिसके कारण हम खेल के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पंचवर्षीय बाल स्वरूप स्थापित होगा। श्रद्धालु के लिए मनमोहक रामलला की मूर्ति खड़ी मुद्रा में रहेगी। इस आशय का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि मूर्ति स्थापना के समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि चैत्र रामनवमी श्री राम जन्मोत्सव के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य किरणें रामलला के माथे पर तिलक करें। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा दिसंबर माह साल 2023 में भी हो सकती है। ट्रस्ट के महासचिव ने बताया है कि उड़ीसा
कर्नाटक और महाराष्ट्र से 3 अति विशिष्ट शिल्पकार भी बैठक में शामिल रहे, जिन्होंने रामलला की मूर्ति के संबंध में तकनीकी दृष्टि पर आधारित सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, निषादराज, माता अहिल्या और जटायु के मंदिर बनाए जाने पर मोहर लगा दी गई है, जबकि भगवान राम के मित्र सुग्रीव के भी मंदिर की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु का बाल राम लला, तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है, इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो तो बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज़्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। छोटी प्रतिमा का अर्थ है 9 इंच 12 इंच की छोटी छोटी प्रतिमाएं आएंगी, उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज़्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। इतना ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य का तिलक रामनवमी पर लगे, उसकी ऊंचाई वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित की है लगभग 8.5 फीट ऊंचाई, उसका तालमेल बैठाएंगे। आज की बैठक का ये भी एक निर्णय। प्रदेश के अधिकांश भागों में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। कड़ाके की सर्दी और गलन के साथ राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में आज भी कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही 8 जनवरी को अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। इस बीच शीतलहर के कारण जनपद लखनऊ सहित कुछ जिलों में 12वीं तक के स्कूलों के 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी सरकारी और निजी स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में काफी ह्यूमिडिटी का है, जिसके वजह से फॉग पूरे प्रदेश में कोहरा बन जा रहा है, और कोहरे की वजह से एक लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में बन जाता है, जिसके वजह से कि जो हमारी सूरज की रोशनी होती है हमारे सरफेस पे नहीं पड़ती है, जिसके वजह से तापमान में गिरावट दर्ज होती है। तो अभी फिलहाल जो दिन का तापमान है वो भी अपने सामान से 5-6 डिग्री डाउन चल रहा है, और जिसके वजह से ठंड, गलन और थोड़ा सा हवाएं भी हैं, पश्चिमी हवाएं हैं, जिसके वजह से गलन है। पूरे प्रदेश में ही अभी अपने जो तापमान है, उच्चतम तापमान है, दिन का जो तापमान कहते हैं, वो अपने सामान से हर जगह काफ़ी कम है, इसके लिए हमने शीत दिन का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर भी हमने 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है, कुछ लेकिन कुछ ही जिलों में रहेगा, लेकिन शीत दिन का प्रकोप अधिकांश जिलों में उत्तर प्रदेश में रहेगा। जनपद बलरामपुर में शीतलहर और गलन भरी ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए 3 तहसीलों के में अलाव की व्यवस्था की गई है। जिले में 3 दिन से धूप ना निकलने और कड़ी ठंड से पशु पक्षी भी प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ठंड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जहाँ जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर रैन बसेरों में भी पर्याप्त व्यवस्था की है। रोडवेज बस स्टेशन पंचशील में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग रैन बसेरा बनाया गया है। ठंड के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन किसान कृषि कार्य हेतु खेतों में निकलने के लिए मजबूर हैं। उप जिलाधिकारी सदर राजेंद्र बहादुर ने इसे लेकर बताया है कि जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। शीतलहरी की वजह से हम लोग किसान घर से निकल नहीं पा रहे हैं, खेती पाती का कोई काम हो नहीं पा रहा है। पालिका के अंतर्गत बस स्टैंड में एक रैन बसेरा बनाया गया है अस्थायी तौर पर, और एक अम्बेडकर चौराहे पर भी एक रैन बसेरा स्थायी बना हुआ है। प्रमुख स्थानों पर बस स्टैंड में अलाव की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर बाजार है और भीड़ भाड़ क्षेत्रों में, वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है।
बहराइच में तीन दिनों से छाए कोहरे और शीतलहर से बचने के लिए जलाए गए अलाव और रैन बसेरों की हकीकत जांचने जिलाधिकारी दिनेश चंद्र रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे। रैन बसेरे के निरीक्षण के दौरान अलाव जलता हुआ पाया गया और रैन बसेरे की व्यवस्थाएं भी संतोषजनक पाई गई। इसे लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को रैन बसेरे की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। जहां डीएम ने रोडवेज परिसर के निरीक्षण के दौरान वाहन चालक विश्राम कक्ष में समुचित साफ सफाई न पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एआरएम को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, जहां जिलाधिकारी ने गरीब मुसाफिरों, रिक्शा चालकों, जरूरतमंदों तथा रोडवेज के अल्प वेतन भोगी कार्मिकों को कंबल भी वितरित किया। गाड़ी का वाहन का चालक जो है उसकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, इसलिए आपका दायित्व है कि उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। मैंने आज आकस्मिक रूप से आपके गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया जो ड्राइवरों के लिए है, उसमें व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं, तो उसको ठीक किया जाए, जिससे कि जो रात्रि में किसी दूर दराज से ड्राइवर आते हैं या कंडक्टर आते हैं, उनको अगर रेस्ट करना है तो ठंड इत्यादि ना लगे और ठीक प्रकार से वो रह सके। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बांदा में एक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला को गिट्टी से लदे ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और लगभग 3.5 किलोमीटर तक घसीटते ले गया। घर्षण से निकली चिंगारी के चलते ट्रक में आग लग गई और महिला ट्रक के साथ जिंदा जल गई। ड्राइवर और खलासी ट्रक को एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर फरार हो गए। बताया जाता है कि महिला बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थी और वह लखनऊ के गोमती नगर के रहने वाली थी। पुलिस घटना की अब जांच कर रही है। बाराबंकी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी इन दिनों निजी अस्पतालों की बेहतर सुविधाओं को चुनौती देता दिख रहा है। लगातार 4 बार कायाकल्प अवार्ड जीतने वाली बाराबंकी की सीएचसी बड़गांव का राष्ट्रीय स्तर के नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड के लिए चयन हुआ है। जिले की इस सीएचसी ने सफाई और सुविधाओं के मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी फेल कर दिया है, जिसके चलते भारत सरकार ने यह अवार्ड दिया है। इस अवार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से आई 2 सदस्यीय टीम ने बीती 28 और 29 अक्टूबर को सीएससी में ओपीडी, इमरजेंसी, लेबर रूम, लेबोरेटरी, जनरल एडमिन, फार्मेसी की बिंदुवार जांच की थी। टीम की रिपोर्ट के बाद सीएससी बड़गांव का इस उपलब्धि के लिए चयन किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के उचीकृत एवं जनता के बेहतर सुविधाओं के लिए इंक्वायर्स टीम जो राष्ट्रीय स्तर पर अस्पताल का जो चयनित हुआ है उसमें भारत सरकार द्वारा 2 सदस्यीय टीम आकर के अस्पताल का गहन निरीक्षण किए। 28-29 अक्टूबर को हमारे यहाँ निरीक्षण हुआ और उन्होंने 8 हमारे जो डिपार्टमेंट हैं इसमें ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, लैब, लेबर रूम, इमरजेंसी और जनरल एडमिन एंड एक्जिलरी का निरीक्षण किया, जो कि इनके मानक 70% होते थे और हमने 83.12%
अंक हासिल करके हमने प्रदेश में अपना स्थान ग्रहण किया। हमारे जनपद में सीसी बड़ा गांव को इनक्वास यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर और विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है। 8 बिंदु लिए जाते हैं, जैसे कि हमारी ओपीडी कितनी है, इंडोर में कितने पेशेंट आए हैं, उनकी जाँचें कैसे हुई हैं, डिलीवरी का स्टेटस क्या है, इन सब को मिला करके 8 बिंदुओं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आती है और वो उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। और उसके आधार पर जिन फैसिलिटीज़ का 77% से ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनको इसमें चयनित किया जाता है। बड़ागांव सीएससी के 83.12% मार्क्स रहे और इसको एक हमारे प्रदेश में रोजगार से आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि महिलाएं शिशुओं धात्री महिलाओं किशोरियों के लिए समूह के माध्यम से अपना प्लांट स्थापित कर पुष्टाहार बनाकर पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति भी कर रही हैं। जिले के पसही कला गांव में स्थापित पुष्टाहार निर्माण इकाइयों की संचालित कर रही ऑपरेटर प्रियंका ने बताया कि इस यूनिट में 2 शिफ्ट में महिलाएं काम करके उत्पादन कर रही हैं, जिसमें 6 तरह के पुष्टाहार बनाकर आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति की जा रही है। प्रियंका ने यह भी बताया कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक इन मशीनों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए उत्पादन किया जा रहा है, जो बच्चों से लेकर धात्री महिलाओं और किशोरियों के उपयोग में आती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक एमजी रवि ने इसे लेकर बताया है कि यूनिट के प्रत्यक्ष रूप से 200 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, जिन्हें प्रतिमाह मानदेय भी दिया जा रहा है। साथ ही पूरी यूनिट को स्थापित करने के लिए 2100 समूहों ने अपना पैसा लगाया है, जो एक स्टेक होल्डर के रूप में काम कर रहे हैं। पुष्टाहार बनाते हैं और यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे हैं उन लोगों के लिए रेसिपी, मतलब 6 महीने से लेके 6 वर्ष के तक के बच्चों का और गर्भवती धात्री किशोरी इन लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे रेसिपी बनाते हैं सर। हम लोग 20 महिला काम कर रहे हैं सर, 2 शिफ्ट में, सुबह वाली शिफ्ट में 10 महिला और शाम वाली शिफ्ट में 10 महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ 5-6 तरह का रेसिपी बनाया जा रहा है सर। देखिए, ये जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से ये THR प्लांट, इसका नाम है टेक होम राशन, माने हर घर तक रेडी टू फूड जो है हमारी जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंच सके, इसके लिए प्लांट चालू किया गया। यहाँ पर ये जो प्लांट है कुछ जनपद में 7 प्लांट स्थापित हो रहे हैं इस समय वर्तमान समय में, और जिसमें करीब 210 महिलाएं ऐसी जो प्रत्यक्ष रूप से प्लांट में काम कर रही हैं, महिलाएं जाकर के वहां पर जिनको प्रतिमा 8,000 रुपये के आसपास उनको मानदेय दिया जाता है, ये प्लांट में काम कर रही। इसके साथ साथ 2100 समूह इसमें स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने अपना पैसा दिया हुआ है। एक समूह ने करीब 30,000 रुपये का आसपास दिया है एक प्लांट पे, और इस तरीके से 21 समूह ने पैसा देकर के इस प्लांट की स्थापना की। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। खिचड़ी मेले की शुरुआत 14 जनवरी से होगी, जो 1 माह तक चलेगा। इस मेले में नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर इंद्र सिंह चौहान गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में खिचड़ी मेले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसे लेकर कहा कि खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई, शौचालय, मेडिकल और बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेले में ATS STF की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों के अनुकूल नई सुविधा पेश की है। इसके तहत उन्हें घर के मुखिया HOF की सहमति से आधार में दर्ज पते में ऑनलाइन सुविधा सुधार करने में सहायता मिलेगी। आधार में HOF आधारित ऑनलाइन पते में सुधार की सुविधा से बच्चों, जीवन साथी, अभिभावकों और आदि ऐसे संबंधियों को काफी सहायता मिलेगी जिनके पास अपने नाम पर दस्तावेज नहीं होते हैं। देश के भीतर विभिन्न वजहों से शहरों और कस्बों को पलायन करने वाले लोगों को देखते हुए यह सुविधा देश के लाखों लोगों के लिए लाभकारी होगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र का भी निवासी इस उद्देश्य के लिए HOF हो सकता है। आपको
माई आधार यू idaai.gov.in पर लॉगिन करना है और उसके बाद आप ऑनलाइन सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस सेवा के लिए ₹50 शुल्क का भुगतान करना होगा। और अंत में एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थायी निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मुख्यमंत्री ने फैसले का किया स्वागत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट साल 2023 के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मुंबई, कहा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, मंत्रिमंडल ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए भी 2500 करोड़ रुपए की योजना को किया स्वीकृत। और पहाड़ों की बर्फीली हवा से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश, मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में भीषण सर्दी के साथ अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर का जारी किया रेड अलर्ट। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।